शुक्ला जी, प्रज्ञा यादव और अंकित जी, क्योंकि वो क्लास आपकी पीबीआर स्टडी के चैनल नंबर एक पे चल रही शुरू हो गई थी भाई, तो इस वजह से मैं भूल गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलो बच्चे सभी आ जाओ फिर। हाँ, इसमें एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 2x बचेगा, प्लस 9 बचेगा। इसमें बच्चा 1 कॉमन लोगे तो 2x प्लस 9 बचेगा। इतना समझ में आया ना? क्लियर हो गया ना? चलो हाँ, आज आप सभी बच्चों को एक बात और बताएंगे अभी, लेकिन पहले इसको समझो। हो रहा कि नहीं इधर साइड में? देखो 2x प्लस 9 हो जाएगा ये, और जो दोनों में कॉमन था, इसमें x इसमें 1, ये इसके गुणनखंड हो गए। ये क्या हो गए? इनके फैक्टर हो गए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। पुष्पा वर्मा, मयंक खातून कौन है भैया बताओ? अच्छा आप लोग ये बताओ, जो इस चैनल पे जुड़े हैं 3 नंबर पे, बाबू क्लियर आ रहा कि नहीं? पीबीआर स्टडी जो 3 पे हैं, आप लोग बताओ क्लियर है कि नहीं है? भाई इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये सेकेंड चैनल, तो इसमें लाइव जो है इंटरनेट थोड़ा स्लो हो जाता है। आप लोग मुझे इसका वो बताओ, क्या बोलते हैं, इसका मुझे मूल बताओ। मूल मूल क्या होंगे इसके? देखो इसके मूल निकालोगे तो क्या होगा? यक्स बराबर ये -9/2 होगा, और इसमें यक्स बराबर -1 होगा। अच्छा अगर आपको मूल निकालना हो तो कर लोगे कि नहीं इसको? माही जी चल रहा है क्लास? चल रहा है, कोई बात नहीं। आ रहा ना? बिल्कुल सोनम शुक्ला, प्रज्ञा, माही। देखो भैया वो पीबीआर स्टडी चैनल नंबर एक पे आपकी क्लास चल रही थी ना आज, इस पे इसलिए भूल गए थे, तो सॉरी उसके लिए। हाँ तो इस पे क्लियर वैसे आएगा नहीं मुझे पता है, क्योंकि इंटरनेट स्लो चल रहा भाई, तो क्लियरिटी इस पे आए ये मुझे कुछ लग नहीं रहा है। इनके ये समझ में आ गए आप लोग को? सभी को समझ में आ गए? चलो ठीक है, एक दूसरा सवाल देखो, एक दूसरा सवाल देखो फिर। मैं देख रहा हूँ, एक दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल ये है, देखो जो बच्चे पीबीआर स्टडी चैनल नंबर 3 पे जुड़े हैं, अगर चैनल नंबर 3 पे क्लियर नहीं आ रहा तो वो चैनल नंबर 1 पे आ जाएं, चैनल नंबर 1 पे आ जाएं अगर 3 पे क्लियर नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पे हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी इसमें कभी उसमें नहीं, इसी में हरदम चलेगा, आप परेशान मत होइए, इसी में चलेगा हरदम, इसी में चलेगा, इसी में चलेगा भाई, इसी में चलेगा, इसी में। एक मिनट रुकिए आप लोग, एक सवाल मैं और आगे दे रहा हूँ। देखो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। रवि शंकर जी बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है। 5 और 3 ना, यही हमें आ गया समझ में, जल्दी से यस बोलो कि आ गया। और एक पे आ जाए हाँ, चलो समझ में आ गया सबको? आ गया? मुझे नहीं आया, अभी आई हूँ। सोनम शुक्ला जी आपने तो कल पढ़ा था ना, आपने तो कल पढ़ा था तो आपको आना चाहिए। अब देखो ठीक है, मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, जिनको नहीं आया ध्यान दीजिए। देखिए बहुत ही ध्यान से समझना, आपको बहुत ध्यान से समझना है। जिनको आ गया कोई बात नहीं, वो देख लें एक बार फिर से, ज़्यादा नहीं होगा भाई, अपच नहीं होगी ज़्यादा। आप खाना तो खा लेते हो 4 रोटी इकट्ठा, लेकिन इसको देखने में काहे बीमारी हो रही। चलो देखो कैसे, ध्यान दो एक बार, मैं फिर से पूरा बता दूंगा, टेंशन मत लो। देखो बच्चे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या। आप मुझे बताओ इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? जवाब दीजिए, व्हाट इज कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर? इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमें पता है? ये 3x, एक्स स्क्वायर के पहले नंबर है, वो गुणांक क्या है? 3 है एक्स स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणांक जो 3 है, और लास्ट में जो है यानी जो अचर पद होगा जिसे कांस्टेंट बोलते हैं, हम पहले उन दोनों का गुणा करेंगे। उन दोनों का क्या करेंगे? पहले मल्टीपल करेंगे, ठीक है? उन दोनों का मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल कर लेने के बाद क्या होगा भैया? मल्टीपल कर लो 3 का 5 में तो कितना होगा? 15। ये हमारा वो तैयार हो गया विलयन, जिसे हमें क्या करना है, समझना है। कैसे समझना है? देखो यानी हमें ये गुणा करने पिलाना है। कोई दो गिनती बताओ जिसको गुणा करें तो 15 आ जाए और जोड़ दें तो 8 आ जाए, है कोई ऐसा क्या? कोई दो गिनती जिसको गुणा करें तो 15 हो जाए, जोड़ दें तो 8 हो जाए। भैया देखो चैनल नंबर 1 पे भी क्लियर हो गया, इंटरनेट का कमाल है बाबू, ये कभी कभी डिसमिस कर देता है, कभी कभी चलता है। जिस पे एम के रोमांटिक जी जुड़े हैं, अक्रोश जुड़े हैं, प्रज्ञा जुड़ी हैं, तो चैनल नंबर 3 पे भी चल रहा है फिलहाल।
पाँच और तीन, बिल्कुल सही। तो इनको हम क्या करेंगे, देखो जोड़ने पे आंसर ये हमें पता है, अगर हम पाँच में तीन जोड़ेंगे तो आठ हो जाएगा ना भाई, पाँच में तीन जोड़ेंगे तो आठ हो जाएगा, और अगर पाँच में तीन का गुणा करेंगे तो बाबू पंद्रह हो जाएगा। यानी सिस्टम बन रहा है ना, ये चीज़ बनना चाहिए। इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया बोलो यस यस, समझ में आया ना। अब चलो, यानी इसको हम ऐसे उतार लेंगे जैसे थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस आठ की जगह पे हम लिख सकते हैं पाँच धन तीन, बोलो आठ की जगह पे पाँच धन तीन लिख सकते हैं। तो सिंपल है ये, ऐसे कर लो जैसे अभी दिया है, इधर पाँच दिया था बराबर जीरो, ऐसे लिख लो, इतना क्लियर है। बोलो इतना आया यस, इतना आया यस, नहीं आया मैं फिर से बताऊँगा, एक नया सवाल मैं बताऊँगा, टेंशन मत लेना, बस देखते रहना, ठीक है, देखते रहना। देखो जो बच्चे इसमें जुड़े हैं चैनल नंबर तीन पे, वो सभी पी वी आर स्टडी इलाहाबाद चैनल पे आ जाएं, पी वी आर स्टडी इलाहाबाद चैनल पे आ जाएं, क्योंकि इस पे क्लास क्लियर नहीं हो रही, ये वाईफाई की प्रॉब्लम है या किसकी प्रॉब्लम है, मैं इसको देखूंगा बाद में। तो सभी बच्चे आ जाओ पी वी आर स्टडी के चैनल नंबर एक पर, ठीक है, इलाहाबाद चैनल पे आ जाओ बाबू, सभी लोग आ जाओ इस पे, और इस पे हम बंद कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी नहीं आ रही। प्रज्ञा यादव, एम के रोमांटिक स्टेटस, प्रियंका देवी, अक्रोस, अमित, सुमित, जो भी बच्चे यहाँ पे हैं सभी आ जाओ चैनल नंबर एक पे, सभी बच्चे चैनल नंबर एक पे आ जाओ।